मीटू आपके साथ भी लग सकता है। वह कैसे? उसने मुझे छेड़ा, उसने मुझे किस किया, उसने मुझे यह किया, उसने मुझे वह किया, और मीटू नाम के कैंपेन में जुड़कर उनके हाय नाते दोस्तों, एफआईआर दर्ज मैं की गई। दिव्येंदु। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। इस समय मीटू नाम का बहुत बड़ा एक कैंपेन चल रहा है, क्या आप भी उससे परेशान हैं? आइए हम कुछ मीटू नाम के कैंपेन के बारे में बात करते हैं। तनुश्री दत्ता, आशिक बनाया आपने की एक्टर्स, जिन्होंने इमरान हाशमी के साथ असली वीडियो शूट करने पर किसी भी तरह की समस्या नहीं हुई, पब्लिक के सामने किसी भी तरह का उन्हें अड़चन नहीं आई, मगर अभी उनके द्वारा एक 8 साल पुराना नाना पाटेकर के ऊपर लगाया गया छेड़छाड़ सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप है, जिसके प्रतिक्रिया में एक मीटू नाम का कैंपेन स्टार्ट हुआ है। काफी बड़े बड़े लोगों का नाम आ रहा है, बहुत बड़े बड़े फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर, सभी का नाम आ रहा है इस कैंपेन में। तो मेरा आप सभी को एक जानकारी देना है कि मीटू आपके साथ भी लग सकता है। वह कैसे? जैसा कि अगर आप रात में सफर कर रहे हैं, आपके आगे कोई गाड़ी चल रही है जिसमें कोई गर्ल्स है या कोई लेडीज बैठी हुई है, अगर आप उसे अपर डिपर की पासिंग लाइट भी दे रहे हैं, अपर डिपर कर नाइट में पासिंग के लिए प्रोसेस कर रहे हैं, हो सकता है आप उस मीटू नाम कैंपेन के शिकार हो सकते हैं। आने वाले समय में, आज से कुछ ही मिनट पहले या काफी पुरानी मेट्रो को, आपकी लाइफ पर्यंत मैटर को भी, अगर कोई भी अभद्रता आपके साथ छेड़छाड़ या किसी भी तरह की किसी भी अश्लील वार्तालाप का भी आपके ऊपर कोई भी लड़की इस मीटू नाम के कैंपेन के थ्रू आपके ऊपर एफआईआर दर्ज कर सकती है। तो आप अब यह समझ सकते हैं कि यह एक भारतीय संस्कृति के लिए बहुत ही बड़ा एक षड्यंत्र है, एक भारतीय संस्कृति को खत्म करने के लिए बहुत ही कुछ किया जा रहा है। इस जब फिल्म इंडस्ट्री में कोई आता है, उन्हें काम करना है, तो फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले जब आपसी सहमति होती है, तभी तो आप किसी के साथ इस तरह के सीन्स को वीडियो सीन देते हैं, जिससे कि वह फिल्म में दिखाया जाता है। जब आपको सीन देने में किसी भी तरह का शर्म नहीं, जब आपको सीन देने में किसी भी तरह की अश्लीलता महसूस नहीं हो रही है, अब मीटू नाम का कैंपेन या उसमें किसी भी तरह का छेड़छाड़ या सेक्सुअल हरासमेंट की अभद्रता या किसी भी तरह की कार्रवाई, ये किस तरह से लाजमी है? अभी तथाकथित जो चल रहा है, कोई भी आया 10 साल पुराना मैटर को लेकर आया, मेरे साथ 10 साल पहले मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वह हुआ, उसने मुझे छेड़ा, उसने मुझे किस किया, उसने मुझे यह किया, उसने मुझे वह किया, और मीटू नाम के कैंपेन में जुड़कर उनके नाम पे एफआईआर दर्ज कर दिया। मैं उन सभी लोगों से एक ही मेरी गुजारिश है, जब आपके साथ यह घटना हो रही थी, जब आपके साथ यह अश्लीलता महसूस हो रही थी, जब आपको यह ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, उस वक्त आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? आज आप आवाज उठाकर क्या दिखाना चाह रहे हैं? आपका कैरियर खत्म है, तो आप आज आप आवाज उठाकर जनता के भावनाओं के साथ खेलकर आप लोगों की भावनाओं को उजागर कर रहे हो, या तो आप लोगों को गुमराह कर रहे हो, क्या है ये? जब आपको उस टाइम पे किसी भी तरह की अश्लीलता महसूस नहीं हुई, तो फिर अब किस लिए आपको अश्लीलता महसूस हो रही है? मैं भारत सरकार से यह भी अनुरोध करूंगा और कानून से यह भी अनुरोध करूंगा, इस तरह के कैंपेन और इस तरह की कार्यवाही के खिलाफ कोई सख्त से सख्त नियम बनाएं, जिससे कि आने वाले समय पे एक प्रतिष्ठित व्यक्ति या कि प्रतिष्ठित आदमी के ऊपर किसी भी तरह का आरोप न लगे। अगर
उस व्यक्ति ने कभी सामने वाले के साथ अश्लीलता की है, तो जब उस लड़की के साथ अश्लीलता हो रही है जिस व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है, उसी टाइम पर वो FIR दर्ज कर सकते हैं। आज से 10 साल पहले किसी भी तरह का अश्लीलता या अभद्रता या सेक्सुअल हरासमेंट हुआ, आप उसे FIR में दे रहे हो या मीडिया में बोल रहे हो, यह क्या है? जरा सोचने वाली बात है कि हमारा भारतीय संस्कृति, हमारा देश किस जगह पे जा रहा है। आप सभी लोग समझदार हैं, हर चीज को समझते हैं, मगर सोचिए, जरा रुक के सोचिए, जिस वक्त आपके साथ राय चलते या ऑफिस में या कि स्कूल कॉलेज या कहीं भी किसी भी जगह पर, ट्रेन में, बस में, किसी भी जगह पर आपके साथ किसी भी तरह की कोई अभद्रता या अश्लीलता हो रही है, आपको उसी टाइम पर उस चीज का विरोध करना चाहिए और विरोध करने के साथ आपको FIR दर्ज करना चाहिए। मगर आज बीते हुए टाइम को आप उस बातों को उठाकर किसी के नाम पर दाग लगा रहे हो जिसका आपके पास कोई प्रूफ नहीं, प्रमाण नहीं। क्या प्रूफ है, क्या प्रमाण है कि सामने वाले व्यक्ति ने ही आपके साथ सेक्सुअल हरासमेंट किया या कि उसने आपके साथ छेड़छाड़ की, अभद्रता की? अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो आप वो बताइए। लोगों के भावनाओं के साथ खेलना बंद करें। और आप सभी लोगों से एक मेरी अनुरोध है कि सभी लोग अपना अपना काम में ध्यान दें। यह कैंपेन है, एक कुछ दिनों पहले एक तख्ती गैंग आया, अभी ये मीटू नाम का एक गैंग आया हुआ है, कुछ दिनों बाद ये भी सब खत्म हो जाएंगे। सो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, सत्यमेव जयते दोस्तों।